हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डी एन ऑनलाइन एकेडमी। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ बौद्धकालीन शिक्षा उप संपदा संस्कार। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। उपसंपदा संस्कार पर टिप्पणी लिखिए। बौद्धकालीन शिक्षा का लघुत्तरीय प्रश्न। नव शिष्य 22 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उपसंपदा संस्कार के बाद ही पूर्ण भिक्षु की स्थिति प्राप्त कर बौद्ध संघ का स्थायी सदस्य बन सकता है। ये संस्कार कम से कम 10 शिक्षकों की उपस्थिति में होता था। एक भिक्षु श्रमण का परिचय कराता था। इसके बाद अन्य भिक्षु बालक से अनेक प्रश्न पूछते थे, उसके उत्तर से संतुष्ट होकर बहुमत से निर्णय करते थे कि नव शिष्य को उपसंपदा ग्रहण करने का अधिकार है या नहीं। यह प्रणाली जनतंत्रात्मक प्रणाली कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त बालिकाओं एवं स्त्रियों को भी प्रपज्ञा एवं उपसंपदा संस्कार का अधिकार था। जब नव शिष्य भिक्षु बन जाता था तो उसे कुछ नियमों का पालन करने का आदेश दिया जाता था। वृक्षों के नीचे वास करना, साधारण वस्त्र धारण करना, सात्विक भोजन करना, भोजन के लिए भिक्षा मांगना, चोरी और जीव हत्या न करना, स्त्री यौन संबंध स्थापित न करना, लौकिक शक्तियों का दावा न करना, औषधि के रूप में गौमूत्र का सेवन करना। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। आपको अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको उस टॉपिक का वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। सो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।